We're talking about 2,000 people who flooded into Nevada after a call on Facebook to storm Area 51. There's a whole fleet of them. Look on the ASA. It's rotating. Hola amigos, mera naam hai Jack and you are watching Bifrost View. Welcome to the final chapter of Area 51 and the crashed UFO at Roswell. इस वीडियो सीरीज के पार्ट 1 में मैंने Area 51 को CIA और US गवर्नमेंट के ऑफिशियल रिपोर्ट और टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट के जरिए डीक्लासिफाई किया है और पार्ट 2 में मैंने 1947 इनफेमस रॉजवेल यूएफओ इंसिडेंट की सारी कहानी के हर एक डिटेल को फ्रेम बाय फ्रेम कवर किया है कि किस तरह डेडली मैजेस्टिक 12 ग्रुप ने रॉजवेल यूएफओ इंसिडेंट पर पर्दा डालकर सारे यूएफओ और एलियन डेड बॉडीज को एरिया 51 शिफ्ट कर दिया ताकि उन एलियन टेक्नोलॉजीज पर कॉपी और रिवर्स इंजीनियरिंग की मदद से US मिलिट्री के लिए हाईली एडवांस वेपन्स बनाया जा सके। और इस बात की कंफर्मेशन 1989 में एक अनजान शख्स द्वारा दी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से होती है। बट बिफोर वी गेट स्टार्टेड हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस दिस ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन टू नेवर एवर मिस अ वीडियो फ्रॉम बाइफ्रॉस्ट व्यू। लॉस वेगास KLAS TV के फेमस अमेरिकन UFO इन्वेस्टिगेटर रिपोर्टर जॉर्ज क्नैप एक अनजान शख्स का इंटरव्यू ले रहे थे और वो शख्स कोई और नहीं बॉब लजार था। मैं जानता हूँ आप में से बहुत सारे लोग बॉब लजार और उसके दावों को जानते हैं और उसे बहुत बड़ा झूठा मानते हैं। मैं भी 2016 तक बॉब लजार को फ्रॉडस्टर ही मानता था मगर उनके सच होते दावे ने मुझे भी सोचने पर मजबूर कर दिया। चलिए बॉब लजार और उसके दावों को एक बार जान लेते हैं। Though I was threatened before I had left, they threatened my wife's life and my life, so I can only put two and two together and say that they were kind of pissed at me. After 1989 में KLAS TV में की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में बॉब लजार क्लेम करते हैं कि वो एक एक्स एरिया 51 एम्प्लॉय हैं और उन्होंने 1988 से 1989 के बीच एरिया 51 के सेक्टर S4 में एस रिवर्स इंजीनियरिंग के पद में काम किया है और उनका काम था 9 में से एक स्पॉटी मॉडल के एलियन स्पेसशिप को रिवर्स इंजीनियरिंग की मदद से आर्मी के लिए तैयार करना। मगर इस दावे में थोड़े परेशानियां हैं। जो क्वालिफिकेशन एरिया 51 में काम करने के लिए चाहिए उतनी क्वालिफिकेशन बॉब लजार के पास ऑफिशियली मौजूद ही नहीं है। जब जुलाई 2013 में CIA ने पहली बार ऑफिशियली एडमिट किया कि एरिया 51 नाम की एक टॉप सीक्रेट फैसिलिटी सच में मौजूद है तब एरिया 51 की बहुत सारी बातें सामने आई थी, जैसे एरिया 51 के एम्प्लॉयज को जेनेट 211 फ्लाइट से इस बेस पर ट्रांसपोर्ट किया जाता है जो मैककेरन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लॉस वेगास से टेक ऑफ करता है। सभी एरिया 51 एम्प्लॉयज मास्टर डिग्री या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइंटिफिक डिग्री होल्डर्स हैं और बॉब लजार के पास केवल केमिस्ट्री में एक डिप्लोमा मौजूद है। लेकिन इस पर मिस्टर लजार का कहना है उन्होंने MIT से मास्टर डिग्री हासिल की थी मगर CIA ने यूनिवर्सिटी से उनके सारे रिकॉर्ड्स मिटा दिए। बॉब लजार की कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब अमेरिकन साइंटिस्ट डॉक्टर रॉबर्ट करेंगल जेरेमी कॉर्बेल के शो में कबूल करते हैं कि उन्होंने 1980s में बॉब लजार के साथ लॉस एलामोस में काम किया है। So let me just ask you just real specifically. So you have a direct individual memory of being in a security briefing at Los Alamos with Bob Lazar? Yeah, that's I remember seeing. And why would he be there if he wasn't working in a capacity where that was important? Don't think they bring the janitor in to, yeah. Okay, because I just want to kind of demystify that once and for all, you know, the fact that you're there at a security briefing at Los Alamos and you're not even really into all this stuff, but you knew Bob, that's big. That's big for me because I spent a lot of my time and effort trying to figure this out. K.
खैर 1989 में जब बॉब लाज़ार से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यूएफओ इन्वेस्टिगेटर रिपोर्टर जॉर्ज किनैब ने जब पूछा कि क्या ये स्पेसशिप मैनमेड भी हो सकते हैं, तब बॉब ने जवाब दिया, दैट्स इम्पॉसिबल। ये नामुमकिन है। सभी स्पेसशिप का जो प्रपल्सन सिस्टम है वो ग्रेविटी जनरेट करने वाला प्रपल्सन सिस्टम है, और इन प्रपल्सन सिस्टम का पावर सोर्स एक एंटी मैटर रिएक्टर है, और ऐसी टेक्नोलॉजी दुनिया में मौजूद ही नहीं है, और उस एंटी मैटर का नाम एलिमेंट 115 अनंत पेंटियम है। के वक्त दुनिया लाज़ार के ऊपर हंस रही थी, क्योंकि ऐसा कोई एलिमेंट पूरे अर्थ में एग्जिस्ट ही नहीं करता था, ना ही एलिमेंट 115 पीरियोडिक टेबल पर मौजूद था। मगर 2013 में अमेरिकन और रशियन साइंटिस्ट की जॉइंट टीम ने, जॉइंट इंस्टीट्यूशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च GINR ने अमेरिशियम 243 और कैल्शियम 48 आयंस को पार्टिकल एक्सीलेटर कोलाइजन कर एलिमेंट 115 मॉस्कोवियन के स्टेबल आइसोटोप्स बनाए, और साथ ही एलिमेंट 113, एलिमेंट 117 और एलिमेंट 118 को भी डिस्कवर किया। बॉब लाज़ार ने दो दावे और किए थे, जिनमें से एक था सभी एलियन स्पेसशिप स्टील लाइक मटेरियल से बने हुए थे, मगर हवा की तरह हल्के और स्टील से 100 गुना मजबूत, और इसी तरह की सेम मटेरियल के बारे में हमने जेसी मार्सेल से सुना था जब उन्होंने रॉजवेल क्रैश्ड यूएफओ के टूटे मलबों के कुछ टुकड़ों को अपने हाथ में उठाया। वो टुकड़ा हवा से हल्का मगर स्टील से 100 गुना मजबूत था। ये महज इत्तेफाक है या कई दशकों से चल रहा रिवर्स इंजीनियरिंग का नतीजा, जो 2016 में स्वीडन के साइंटिस्टों ने सेम टू सेम मटेरियल को डिस्कवर किया, मटेरियल विद फेदर लाइट वेट बट 100 times स्ट्रॉन्गर देन स्टील। The government is holding 9 alien spacecraft that are propelled by a modified gravity generator. Work is being conducted 15 miles south of Groom Lake at that isolated area only, designated as S4, that at least one of those crafts operate. बॉब लाज़ार का आखिरी दावा ये था कि जब वो एरिया 51 में काम कर रहे थे, उनके हाथ CIA के टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हाथ लगे, जिसमें लिखा था कि ये सारे एलियंस पृथ्वी पर पिछले 1,00,000 सालों से आ रहे हैं, और ये सारे एलियंस 39.3 लाइट ईयर दूर 2 binary स्टार सिस्टम जेटा 2 रेटिकल स्टार सिस्टम से आते हैं। जेटा 2 रेटिकल स्टार सिस्टम के बारे में आपने कभी पहले सुना था? Keep trying. Calling Antarctica Traffic Control. Do you read me, Antarctica? Over. This is I found it. Just short as they did to reticuli. Registration. Can you reach the outer rim yet? 24609. Calling Antarctica Traffic. नहीं, ये नहीं। जेटा 2 रेटिकल स्टार सिस्टम और एलियन कनेक्शन की जानकारी पहली बार 1969 में ब्रैनी और बेटी हिल्स एलियन अबडक्शन केस के दौरान मिली थी। ब्रैनी एंड बेटी हिल्स एलियन अबडक्शन केस की डिटेल में बात मैंने रियल केसेस ऑफ एलियन अबडक्शन पार्ट 2 में की है। उस वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि मेरे अपलोड करते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। मगर फिलहाल के लिए बता देता हूँ, जब ब्रैनी और बेटी हिल्स को September 9, 1961 में एलियंस ने किडनैप कर स्पेसशिप में ले गए और उन पर प्रयोग करने के बाद एक एलियन ने बेटी हिल्स को एक स्टार सिस्टम का मैप दिखाया, और ये स्केच जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं उसी स्टार सिस्टम मैप का है जिसे बेटी हिल्स ने 1964 में बनाया था। आप में से बहुत सारे व्यूवर्स ये पक्का सोच रहे होंगे, खाली को तो मैं भी बोल सकता है कि मेरे को एलियन किडनैप कर दिया रे। तो हाँ, मगर अपने कपड़े और स्किन में एलियन फ्लूड और बैक्टीरिया लगाना मत भूलना, जिसे डॉक्टर और साइंटिस्ट ने पहले कभी नहीं देखा हो। बेटी हिल्स के ड्रॉ किए इस स्टार सिस्टम मैप के कुछ 3D मॉडल्स बनाकर एस्ट्रोनॉमर मेजरी फिश ने 5 सालों तक गैलेक्सी में मैच करने की कोशिश की, और फाइनली 1969 में उन्हें वो मैच मिल गया। और ये स्टार सिस्टम कोई और नहीं, 39.3 लाइट ईयर दूर का 2 binary स्टार सिस्टम जेटा 2 रेटिकले था। बॉब लाज़ार इसी स्टार सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। कई यूएफोलॉजिस्ट का मानना है जेटा 2 रेटिकले के एलियंस ही रॉजवेल में क्रैश हुए थे। इतने सारे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल दावे और रॉजवेल यूएफओ कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट को देखते हुए रॉजवेल इंसिडेंट के पूरे 50 साल बाद
1995 में US Air Force ने एक एक्सप्लेनेशन डॉक्यूमेंट पब्लिकली एयर किया, द रॉजवेल रिपोर्ट, फैक्ट वर्सेस फ्रिक्शन। 1995 की इस 902 पेज की डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स में US Air Force कबूल करती है कि वो कोई वेदर बलून नहीं था। US आर्मी एयर फोर्स ने अमेरिकन और पूरी दुनिया से रॉजवेल इंसिडेंट की असल सच्चाई छुपाई थी, मगर वो कोई एलियन स्पेसशिप घटना नहीं थी जिस पर पर्दा डाला गया, बल्कि 1947 से लेकर 1949 के बीच चल रहे US आर्मी एयरफोर्स के टॉप सीक्रेट ऑपरेशन प्रोजेक्ट मोगुल का एक हाईटेक गैजेट और माइक्रोफोन से लैस एक बलून था, जिसे US मिलिट्री साइंटिस्ट डॉक्टर म्यूरिच इविंग ने बनाया था, ताकि इन हाईटेक बलून के एंड में लगे माइक्रोफोन्स की मदद से सोवियत यूनियन में चल रहे न्यूक्लियर टेस्टिंग की खबर रखी जा सके, और जो डेड बॉडीज थे वो ह्यूमन डमीज थे। मगर US एयर फोर्स ने अभी तक ये जवाब नहीं दिया कि वो ह्यूमन डमीज एलियन टाइप फिगर में क्यों थे। US एयर फोर्स की प्रोजेक्ट मोगुल वाली एक्सप्लेनेशन को पूरी तरह से झूठा साबित करती है 2011 में छपी एनी जैकबसन की किताब एरिया 51 एन अनसेंसर्ड हिस्ट्री ऑफ अमेरिकास टॉप सीक्रेट मिलिट्री बेस। एनी जैकबसन एक फेमस अमेरिकन इन्वेस्टिगेटर जर्नलिस्ट है। इस किताब को लिखने के लिए मिस जैकबसन ने 73 एरिया 51 एम्प्लॉयज और 79 CIA एजेंट्स का इंटरव्यू लिया था, और इस किताब को द न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी अप्रूव किया है। आई मीन वाओ। मिस जैकबसन 1995 US आर्मी एयरफोर्स की द रॉजवेल रिपोर्ट, फैक्ट वर्सेस फ्रिक्शन को पूरी तरह से झूठा साबित करते हुए बताती हैं कि जून 1947 रॉजवेल में जो UFO क्रैश हुआ था वो कोई एलियन स्पेसशिप नहीं था, और ना ही कोई सीक्रेट प्रोजेक्ट मोगुल का हाईटेक बलून था, बल्कि सोवियत यूनियन रशिया से भेजा गया एक प्लेन था जिसे एक एलियन स्पेसशिप की तरह डिजाइन किया गया था, और उस प्लेन के अंदर 9-10 साल के 4-5 बच्चों को जेनेटिकली और सर्जिकली मॉडिफाई कर उनका सर को बड़ा कर दिया गया था, एलियन लोग। ये सब सोवियत यूनियन ने इसलिए किया ताकि कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका में स्टेट ऑफ पैनिक यानी डर का माहौल क्रिएट किया जा सके। आई नो ये वाला यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, बट न्यूयॉर्क टाइम्स ने अप्रूव किया है भाई, और ये जियो रोगन का पॉडकास्ट क्लिप खुद देख लें। When you say humans that were surgically altered to look like aliens, do you mean, so this is 1951, so yes. You're talking about 4 years after the supposed crash. Yes. So what they was had the left? Bodies, they kept the bodies. They kept the bodies. Yeah, oh my God, yeah. I interviewed 79 CIA guys, Air Force guys, spy pilots, engineers. I mean, who's mad at you? The conspiracy theorists were mad at me because they said this woman is bananas. They were aliens. अब सोचने वाली बात ये है, आखिर सच बोल कौन रहा है? आपको जो सही लगे आप वो सच मान सकते हैं। मेरी एक पर्सनल ओपिनियन सुनते जाएं। मार्च 6, 2009 में नासा ने केपलर को ऑर्बिट में लॉन्च किया ताकि अर्थ लाइक प्लैनेट्स ढूंढे जा सके, और अब तक 700 से भी ज्यादा पोटेंशियल अर्थ लाइक प्लैनेट्स ढूंढे जा चुके हैं, तो क्या वहाँ एलियन लाइफ नहीं होगा? बिल्कुल होगा, मगर सवाल ये है कि कौन पहले विजिट करता है, वो या हम या फिर दे आर ऑलरेडी हियर। ये वीडियो देखने के बाद आप में से बहुत लोगों के मन में ये सवाल तो जरूर आया होगा कि आखिर ये सारे एलियंस अमेरिका में ही क्यों आते हैं। इसका कारण ज्योग्राफिकल कंडीशन है, मगर इसका जवाब मैं अपने अपकमिंग वीडियो द स्किन वॉकर ऑफ उटाह एंड द 40 ईयर ऑफ एनिमल म्यूटेशन में दूंगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, साथ ही वीडियो को लाइक कर दें, और अगर अगली वीडियो जल्दी चाहिए तो 100 लाइक्स टारगेट हैं, जल्दी हिट कर दो दोस्तों, और इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम में शेयर करना मत भूलना, बहुत हेल्प हो जाएगा दोस्त। थैंक यू, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप मेरे बाकी वीडियोस देख सकते हैं, बाय। इन सभी वैम्पायर घटनाओं का फायदा पोएट, स्टोरी राइटर और नॉवेलिस्ट ने उठाया। फिर लिटरेचर में आगमन हुआ वैम्पायर गॉथिक जॉनर।